भारत के बदलते रंग को देखना हो तो पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम पर नजर डाल लीजिए। साफ हो जाएगा कि उनकी जिस कोशिश को लेकर एक वक्त विरोधी मजाक उड़ाया करते थे, वो अब नए नए कीर्तिमान रच रही है। पीएम मोदी के सिर्फ एक आवाहन पर यह मुहिम ऐसी परवान चढ़ी कि अब यूपीआई ने डेबिट कार्ड को ही पछाड़ दिया है। डिजिटल लेन देन लगातार बढ़ रहा है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए जो देश में डिजिटल पेमेंट हुआ, उसने डेबिट कार्ड से हुए लेन देन को पीछे छोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2019 में देश में 5.35 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए, जबकि डेबिट कार्ड के जरिए सिर्फ 4.41 बिलियन लेन देन ही हुए। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है जब यूपीआई ट्रांजेक्शन ने डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन को पीछे छोड़ा हो। यूपीआई की शुरुआत मोदी सरकार ने 3 साल पहले ही की थी। साल 2017-18 में भी डेबिट कार्ड से 3.24 बिलियन लेन देन हुए थे, जबकि यूपीआई ट्रांजेक्शन सिर्फ 915.2 मिलियन ही थे। एक ही साल में यूपीआई की ऐसी छलांग देखकर अच्छे अच्छे हैरान हैं, और कभी मोदी सरकार की इस कोशिश को शक की निगाह से देखने वाले भी अब इसकी तारीफ कर रहे हैं।